वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊँगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन थारा इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कातुआ कु रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति नैन तारा समानता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहां पर लैंग्वेज कौन सी एंड टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर दो घंटे और तीस मिनट के राउंड अबाउट तकरीबन तो घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए बाकी इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की, की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघनेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो कहा

आर के के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति नैनता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी जो है वो कितनी है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर दो घंटे और तीस मिनट के राउंड अबाउट तकरीबन घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सके वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथुआ कुला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो का

RK के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैन तारा समंता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की आई पर डी रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहां पर जो

मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड टाइम जो है वो कितनी है तो इस मूवी की जो टाइम है है वो है जी पर दो घंटे और तीस मिनट के राउंड अबाउट तकरीबन तो घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए कहां पर किस में अवेलेबल के तो जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतीर और विजय कार्तिक कन्न देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर कातुवा कुला रेंदु काधल के बारे में जिसको के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो ये जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैन तारा समन्ता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस की यहां पर जो है वो सारी की सारी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को 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 उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी 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 लाइन 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 की 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 किस मूवी मूवी पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस की स्टोरी को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनतारा समन्ता रुत् प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है एंड इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस मूवी आप लोगों को यहां पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कातुआ कु रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सवाल के जवाब आप लोगों को आज की तो ताकि वो भी ऐसी से आगा रहे उनको भी यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चेन ये जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनता समंता रुथ प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की, की, तो की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है एंड इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस मूवी आप लोगों को यहां पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत्थ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कातु हुआ रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कश करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनतारा समन्ता रुथ प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है एंड इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस मूवी आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथुआ कूला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो

आर के के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैन तारा समुथ प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक का नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथ हुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति नैन तारा समु प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघनेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है, तो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक का नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन थारा इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथ हुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो का

RK के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति हूँ विजयता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघनेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक का देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथुआ काथ रेंदू कुधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति नैन तारा समानता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज़ में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कातुआ कु रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, गई।, तो गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी एमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली

एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कुला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो का

आर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति तो नैन तारा समन्ता रुत् प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आई एम पर बी के साथ साथ के रेटिंग तरफ से बात परसेंट तक लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहां पर जो

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता

एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और राबड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत्थ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथुआ कुला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी

आर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनतारा समन्ता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

है वो सारी की सारी की परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम क्या, क्या? तो इस बेसिकली तो देखने, देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है आप लोगों के सामने रखा गया है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन थारा इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देख ने को मिलेगा तो यहां पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर कातुआ कु रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत्थ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर रेंदू के बारे में जिसको शॉर्ट के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए ये जी स्टार्ट करते हैं आज की बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनतारा समन्ता रुथ प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है एंड इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस मूवी आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और पिक्चर्स देखने को को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत्थ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए ये जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनतारा समन्ता रुत् प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि IMDB इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है एंड इसकी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है एंड इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस मूवी आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता म देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक का नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथ हुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैन तारा समन्ता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बात इस की बेसिकली सारी सारी देखने को मिलेगा क्या तो मूवी की पर ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघनेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहाँ पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विघ्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कतिर और विजय कार्तिक का देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो कहा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन सारी सारी जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की करते हैं बाईस में रिलीज हो चुकी RK के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति तारा समु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथुआ कूल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन माम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैन तारा समन्ता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर रेंदू के बारे में जिसको के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली यह, यह यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति तो नैनतारा समन्ता रुथ प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

से यहां पर प्रेजेंट किया गया है आप लोगों के सामने रखा गया है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए। के साथ साथ जो है, वो कितनी है।, तो इस की जो है वो है जी यहाँ पर दो घंटे और तीस मिनट के राउंड अबाउट मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अब अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की की किस मूवी स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुत्थ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथुआ कुल्ला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की बात करते हैं दो में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं विजय सेतुपति नैन तारा समारुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि IMDB इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए साथ साथ तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्न देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थार उत् प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नैन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर काथुआ कुला रेंदू काधल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से रहे उनको भी ये सारी की सारी की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ कि इस मूवी की यहाँ पर आई रेटिंग के बाद इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस बात जो है वो कितनी है, इसका जेनर क्या है हम इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम बात करें जेनर की तो इस आ, आप लोगों को यहां पर आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट की एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे एंड बात करें कि वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को 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 उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी 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 लाइन 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 की 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 किस मूवी मूवी पर किसने संभाला तो शिवन ने इस की स्टोरी को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विघ्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्ना देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रावड़ी देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहां पर मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, जी वैसे तो साउथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्सटाइल एक्टर्स हैं बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक आई डोंट थिंक सो के पहचाना है अगर पहचान लिया है तो हाँ बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि कौन कौन से एक्टर्स हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मैं आप लोगों को उनके नेम भी बताऊंगा एंड उनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही आप लोग उनके फ़ैन भी बन जाएंगे तो जी हाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर तीन ऐसे एक्टर्स हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत वर्सटाइल एक्टर्स हैं यहाँ पर समान थारुथ प्रभु फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर विजय सेतुपति एंड थर्ड नंबर पर नयन इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं एंड अभी फाइनली उनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप लोगों को रोमांस कॉमेडी ड्रामा ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम उस मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर काथ हुआ कुथल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में के आर के भी बोला जाता है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं 2022 में रिलीज हो चुकी के आर के, के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी रखी गई है तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ विजय सेतुपति नैनता रुत प्रभु और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर

तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विघ्नेश शिवन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो इन्होंने पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मूवीज दी हैं जिनमें से चंद के नेम मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नानम रावड़ी धान देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थाना सिरिंदा कोता देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने ही यहां पर डायरेक्ट की हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अवेलेबल की गई तो ये मूवी जो है वो प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोगों को उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें स्टोरी लाइन की किस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने संभाला तो विग्नेश शिवन ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है प्रोडक्शन में आप लोगों को एस एस ललित कुमार और विग्नेश शिवन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को एस आर कथिर और विजय कार्तिक कन्नान देखने को मिलेंगे एडिटिंग में आप लोगों को ए श्रीकर प्रसाद देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को अनिरुद्ध रविचंद्र ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज़ में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और राबड़ी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को यहाँ पर रेड जाइंट मूवीज अहिंसा इंटरटेनमेंट एंड उसी के साथ साथ यूके एंड यूरोप में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे एक चांस डेफिनेटली दे सकते